नमस्कार दोस्तों, रामानंद हेयर। आज हम अपने इस डिस्कशन थ्रू प्रॉब्लम के सीरीज में एक और एस्परेशन एनालिसिस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दोस्तों पहले तो मैं ये बता दे रहा कि क्वेश्चन क्या है। दोस्तों इस क्वेश्चन में ये एक लिंक है ए बी, इस ए बी लिंक का लेंथ है 4 मीटर। ये इधर पॉइंट ए पे एक वर्टिकल वॉल पे रेस्ट है, पॉइंट बी पे एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रेस्ट है, ठीक है। और ये जो रॉड है इस सरफेस पे स्लिप हो रहा है, मतलब ये पॉइंट ए नीचे जा रहा है और ये पॉइंट बी इस साइड राइट साइड जा रहा है। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, मुझे इस क्वेश्चन में पॉइंट ए की एब्सोल्यूट वेलोसिटी दी है वेक्टर फॉर्म में। क्या दिया है, पॉइंट ए की एब्सोल्यूट वेलोसिटी है -10 J/m/s। पॉइंट ए का एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है क्वेश्चन में -5 J/m/s। पॉइंट ए का वेलोसिटी दिया है -10 J/m/s। पॉइंट ए का एसरेशन दिया है कितना, -5 J/m/s। तो ये मेरे को इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। मुझे निकालना क्या क्या है, एक तो मुझे फाइंड करना है इस लिंक का एंगुलर स्पीड यानी ओमेगा, क्लियर पॉइंट। दूसरा मुझे फाइंड करना है इस लिंक का एंगुलर एसरेशन अल्फा, और थर्ड मुझे फाइंड करना है इस लिंक पे ये जो पॉइंट बी है इस पॉइंट बी का एसरेशन, क्लियर है। तो यहां एक इंफॉर्मेशन तो वेलोसिटी से रिलेटेड निकालना है क्या, एंगुलर स्पीड ऑफ द लिंक, और बाकी मेरे को एसरेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन निकालना है। क्या क्या, एंगुलर एसरेशन ऑफ द लिंक अल्फा, एंड नेक्स्ट क्या, एसरेशन ऑफ द पॉइंट बी, दैट इज एसरेशन ऑफ पॉइंट बी, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों पहले हम इस क्वेश्चन का क्या निकाल लेते हैं, एंगुलर स्पीड ऑफ द लिंक दैट इज ओमेगा, और इसके लिए हम लोग आई सेंटर मेथड यूज करेंगे, ठीक है। दोस्तों ये मेरा लिंक ए बी है, मैंने इस लिंक ए बी को ही अलग से ड्रॉ कर लिया है। ये लिंक ए बी, इसका लेंथ कितना है 4 मीटर, और ये एंगल क्वेश्चन में दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल से कितना डिग्री है 60 डिग्री। अब मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, अगर मैं इसके लिए आई सेंटर मेथड यूज कर रहा हूं तो सबसे पहले मैं इस लिंक का आई सेंटर लोकेट करूंगा। और मुझे बताए किसी भी लिंक का आई सेंटर लोकेट करने के लिए अगर मुझे उस लिंक के दो पॉइंट का एब्सोल्यूट वेलोसिटी का डायरेक्शन पता है, वो कोई भी दो पॉइंट हो, बट अगर मुझे उस लिंक के दो पॉइंट का एब्सोल्यूट वेलोसिटी का डायरेक्शन पता है और वो दोनों डायरेक्शन एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, अगर मुझे उस लिंक के दो पॉइंट का एब्सोल्यूट वेलोसिटी का डायरेक्शन पता है और वो दोनों डायरेक्शन एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, तो मैं इजिली उस लिंक का आई सेंटर लोकेट कर पाऊंगा। तो पहले अगर मेरे को ये क्वेश्चन आया है तो पहले मैं यही कोशिश करूंगा, मैं ये देखने की कोशिश करूंगा क्या इसके दो पॉइंट का एब्सोल्यूट वेलोसिटी का डायरेक्शन मेरे को पता है कि नहीं, या मैं खुद से बता सकता हूं कि नहीं। तो दोस्तों यहां मैं दो पॉइंट का एब्सोल्यूट वेलोसिटी का डायरेक्शन इजिली रिलेट कर सकता हूं। एक पॉइंट में तो खैर कोई दिक्कत ही नहीं है, मेरे को क्वेश्चन में खुद दिया है। पॉइंट ए की मेरे को एब्सोल्यूट वेलोसिटी कितनी दी है, -10 J/m/s, और वेक्टर फॉर्म में दिया है, मतलब मुझे इसका मैग्नीट्यूड भी पता है और इसका डायरेक्शन भी पता है। अगर मैग्नीट्यूड का बात करें तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए का मैग्नीट्यूड कितना है 10 m/s, ये तो अच्छी बात है, ये मैग्नीट्यूड हो गया, बट इसका डायरेक्शन क्या होगा। तो पॉइंट ए का एब्सोल्यूट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो हो गया 10 m/s, इसका डायरेक्शन क्या होगा। एक तो वेक्टर फॉर्म में केवल J/k इन्वॉल्व हो रहा है, और J/k इन्वॉल्व हो रहा है मतलब पॉइंट ए की वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन में होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में, और प्लस J/k पे की -J/k मतलब पॉइंट ए की वेलोसिटी का डायरेक्शन वर्टिकल में किस साइड होगा, डाउनवर्ड। तो पॉइंट ए की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ठीक है 10 m/s दिया था, बट इंपॉर्टेंट अभी डायरेक्शन पहले है, डायरेक्शन क्या दिया है वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये क्वेश्चन में ही पॉइंट ए की वेलोसिटी का डायरेक्शन क्वेश्चन में दिया क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। बट दोस्तों अगर मेरे को पॉइंट ए की वेलोसिटी का डायरेक्शन नहीं भी बताया होता, वैल्यू तो ठीक है, तो भी मैं ऑब्जर्वेशन से बता सकता था कि पॉइंट ए की एब्सोल्यूट वेलोसिटी पक्का वर्टिकल होगा। हाँ वर्टिकल में एरो नीचे होगा कि ऊपर, वो खुद से शायद भले नहीं बना पाते, लेकिन ये पक्का बता सकते हो कि पॉइंट ए की वेलोसिटी का डायरेक्शन पक्का वर्टिकल होगा। क्यों, क्योंकि जो पॉइंट ए इस लिंक ए बी का पॉइंट ए इस सरफेस के साथ कॉन्टेक्ट बना रहा है, और हम लोग को क्या पता है कि जो भी मोशन होगा ये कॉन्टेक्ट कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए। तो चूंकि पॉइंट ए वर्टिकल सरफेस में स्लिप हो रहा है तो पॉइंट ए की वेलोसिटी का डायरेक्शन पक्का क्या होगा, वर्टिकल। हाँ स्लिप हो रहा है तो जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम नीचे ही आएगा, बट हाँ ऊपर भी जाता तो भी कॉन्टेक्ट खत्म नहीं होता। तो ये तो एग्जैक्टली बता सकता कि वर्टिकल में नीचे होगा कि ऊपर, बट एक चीज कंफर्म था कि पॉइंट ए की वेलोसिटी का डायरेक्शन पक्का क्या होगा, वर्टिकल। खैर मेरे को इसमें इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में ही दे दिया पॉइंट ए की वेलोसिटी क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड।
बट यहां ये तो एक पॉइंट का पता चला, एक और पॉइंट का मेरे को वेलोसिटी का डायरेक्शन चाहिए, तो मैं ये देखूंगा क्या एक लिंक इस लिंक का और कोई दूसरा पॉइंट है क्या जिसका मेरे को कॉन्टेक्ट पता है। तो मेरे को अगला पॉइंट कौन सा पॉइंट पता है, पॉइंट बी। ये पॉइंट बी इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ कॉन्टेक्ट बना रहा है और पॉइंट बी हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ कॉन्टेक्ट बना रहा है, तो मेरे को पता है कि जो भी मोशन होगा ये कॉन्टेक्ट कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए, और ये तभी खत्म नहीं होगा जब पॉइंट बी का वेलोसिटी का डायरेक्शन इस सरफेस के पैरेलल हो, क्योंकि इसका इस सरफेस के साथ कॉन्टेक्ट कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए। और चूंकि ये सरफेस हॉरिजॉन्टल है तो ये 100% कंफर्म है कि पॉइंट बी की एब्सोल्यूट वेलोसिटी का डायरेक्शन भी क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होगा। ये क्वेश्चन में बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, हॉरिजॉन्टल में राइट की लेफ्ट खुद से नहीं बता सकते, लेकिन ये पॉइंट बी की वेलोसिटी का डायरेक्शन पक्का क्या होगा, हॉरिजॉन्टल। खैर अभी थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो सेंस भी बता दोगे, बट मेरे लिए सेंस इंपॉर्टेंट नहीं था, सेंस मतलब एरो इंपॉर्टेंट नहीं है इधर आएगा किधर, अभी पहला इंपॉर्टेंट ये था कि पॉइंट बी की एब्सोल्यूट वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है। हाँ, सेंस दिमाग लगाना चाहो तो चूंकि पॉइंट ए वर्टिकली डाउनवर्ड है तो जाहिर सी बात है अगर पॉइंट ए नीचे आएगा तो पॉइंट बी हॉरिजॉन्टल में किस साइड जाएगा, राइट साइड। तो सेंस भी ऑब्जर्वेशन से अभी बता सकते हो इमेजिन करके कि इसका वेलोसिटी का सेंस किधर होगा, हॉरिजॉन्टल तो होगा बट किस साइड, राइट साइड। बट सेंस बता पाओ या ना बताओ, एक चीज तो कंफर्म है इस सरफेस से कॉन्टेक्ट को देखकर कि पॉइंट बी का वेलोसिटी का डायरेक्शन इस सरफेस के पैरेलल मतलब पक्का क्या होगा, हॉरिजॉन्टल। तो मेरे को खुद से और कहां का डायरेक्शन पता चल गया, पॉइंट ए का तो पता ही ओके क्वेश्चन में मिल गया था, बट मैं ऑब्जर्वेशन से और कहां का डायरेक्शन बता दिया, पॉइंट बी की एब्सोल्यूट वेलोसिटी का। अभी मेरे को सेंस भी पता है हॉरिजॉन्टल राइट साइड, तो मैं राइट साइड बना दे रहा हूं, क्लियर। बाकी सेंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब एरो से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये डायरेक्शन था, क्लियर। तो इस लिंक के दो पॉइंट का एब्सोल्यूट वेलोसिटी का डायरेक्शन पता चल गया, ये पॉइंट ए का वेलोसिटी का डायरेक्शन पता है, पॉइंट बी के एब्सोल्यूट वेलोसिटी का डायरेक्शन पता है, और मेरे को दिख रहा है ये दोनों डायरेक्शन जो भी एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, और पैरेलल नहीं है तो मैं इजीली इसका क्या लोकेट कर सकता हूं, आई सेंटर। क्या तरीका होता है, अब मेरे को पॉइंट ए के आई लोकेट करने का क्या तरीका है, मेरे को चूंकि पॉइंट ए की वेलोसिटी का डायरेक्शन पता है तो मैं क्या करूंगा, पॉइंट ए से एक लाइन ड्रॉ करूंगा वीए का परपेंडिकुलर, और चूंकि अभी वीए वर्टिकल है तो उसका परपेंडिकुलर कैसा बनेगा, हॉरिजॉन्टल। एंगल का हमेशा ध्यान रखना परपेंडिकुलर ड्रॉ करते समय, अभी तो खैर वीए परपेंडिकुलर वर्टिकल है तो उसका परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल बनेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली पॉइंट बी की मेरे को एब्सोल्यूट वेलोसिटी का डायरेक्शन पता है तो मैं क्या करूंगा, पॉइंट बी से ये पॉइंट बी से वीबी का परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, और चूंकि अभी वीबी पर हॉरिजॉन्टल है तो उसका परपेंडिकुलर कैसा बनेगा, वर्टिकल। पॉइंट ए से वीए का परपेंडिकुलर और पॉइंट बी से वीबी का परपेंडिकुलर, और वीबी हॉरिजॉन्टल तो उसका परपेंडिकुलर किधर बनेगा, वर्टिकल। और ये दोनों लाइन एक दूसरे को जहां भी इंटरसेक्ट करेगा, यहां इंटरसेक्ट करा है वो क्या होगा, इस लिंक का आई सेंटर, क्लियर है। इसको हम लोग किससे नोट कर रहे हैं, पॉइंट आई से, क्लियर। और जैसी आई सेंटर मिल गया अब मैं क्या कर सकता हूं, इस लिंक का एंगुलर स्पीड निकाल सकता हूं, कैसे। अगर मेरे को क्वेश्चन में क्या दिया, पॉइंट ए की एब्सोल्यूट वेलोसिटी, अब मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट है, कितना दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, और मेरे को क्या पता है अगर किसी भी लिंक के किसी भी पॉइंट का एब्सोल्यूट वेलोसिटी निकालना है तो उसके लिए हमेशा मैं आई सेंटर मेथड यूज कर सकता हूं। उसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर मेरे को इस लिंक के किसी भी पॉइंट का वेलोसिटी निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, ओमेगा इनटू उस पॉइंट का डिस्टेंस उस लिंक के आई सेंटर से, क्लियर है। उससे उस लिंक उस पॉइंट की एब्सोल्यूट वेलोसिटी निकलेगी, क्लियर। पर तो अभी मेरे को पॉइंट ए की वेलोसिटी दिया है तो मैं उसका फॉर्मूला लिख लेता हूं। तो पॉइंट ए की एब्सोल्यूट वेलोसिटी का हमेशा फॉर्मूला क्या होगा, ओमेगा इनटू इस पॉइंट ए का डिस्टेंस इस लिंक के आई सेंटर से, यानी कहां से, आई से। अब चूंकि मेरे को अगर क्वेश्चन में ओमेगा दिया होता तो वीए निकल जाता, तो यहां क्वेश्चन में वीए दिया है तो उसका यूज करके मैं क्या निकाल लूंगा, ओमेगा। क्या आएगा, पॉइंट ए की एब्सोल्यूट वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड, इक्वल टू ओमेगा इनटू पॉइंट आई और ए का डिस्टेंस। ये पूरा मैथमेटिक्स से निकाल लेना, कहां है पॉइंट आई, ये रहा, कहां है पॉइंट ए, ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। सपोज ये डिस्टेंस को एक बार के लिए समझने के लिए एक्स बोल दूं तो ये निकल जाएगा इस ट्रायंगल से, इस ट्रायंगल में ये एंगल 60 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30, और ये एंगल कितना है 90, तो एक एंगल 90 है तो पाइथागोरस यूज कर लूंगा। क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल में अगर मैं इसको थीटा बोलूं तो मेरे को ये लेंथ निकालना है, ये परपेंडिकुलर होगा, और मेरे को ए बी का लेंथ दिया है, चूंकि ये 90 के सामने है तो हाइपो होगा, और चूंकि परपेंडिकुलर और हाइपो इन्वॉल्व है तो क्या यूज कर लूंगा, साइन। तो अगर इस ट्रायंगल में मैं लिखता हूं साइन 30, तो साइन 30 क्या होगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है, एक्स, एक्स और कुछ नहीं, आई से ए के डिस्टेंस को ही एक्स बोला हूं, अपॉन हाइपो, हाइपो कितना दिया हुआ है 4 मीटर, तो यहां से क्या जाएगा, एक्स कितना आएगा 4 sin 30, कितना मीटर 2 मीटर, तो मेरा आई से ए का डिस्टेंस कितना आ रहा है 2 मीटर, तो यहां से क्या निकल जाएगा, ओमेगा का मैग्नीट्यूड कितना आएगा 10/2, कितना 5 रेडियन पर सेकेंड।
क्लियर, 5 रेडियन पर सेकेंड। ये तो हो गया ओमेगा की वैल्यू। हो सकता है क्वेश्चन में ओमेगा का डायरेक्शन भी पूछ ले, तो अगर हम लोग कंप्लीट निकाले तो ये ओमेगा की वैल्यू आ गई 5 रेडियन पर सेकेंड। अब इसका डायरेक्शन, डायरेक्शन या तो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज, ये कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए भी मैं आई सेंटर मेथड यूज करूंगा। जैसे अगर मेरे को किसी भी पॉइंट का एब्सोल्यूट वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आई सेंटर मेथड से, ओमेगा इनटू उस पॉइंट ए का डिस्टेंस आई से, वैसे उसका डायरेक्शन निकालने का तरीका क्या होता है, वीए का डायरेक्शन हमेशा क्या होता है आई और ए को मिलाने वाले लाइन के परपेंडिकुलर। वीए हमेशा क्या होता है आई और ए को मिलाने वाले लाइन के परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर में सेंस, सेंस को डिसाइड करता है ओमेगा। तो अगर मेरे को ओमेगा का सेंस पता होता, सेंस मतलब एरो का बात कर रहा हूं, डायरेक्शन तो पक्का आई है कि परपेंडिकुलर होगा, बट अगर ओमेगा का सेंस पता होता तो किसका सेंस निकल जाता, वीए का। तो यहां उल्टा मेरे को पता है वीए का सेंस दिया है, तो उसका यूज करके मैं किसका डायरेक्शन निकालूंगा ओमेगा का। कैसे निकालूंगा, पॉइंट ए का वेलोसिटी, ये रहा पॉइंट ए, तो यहां मैं पेंसिल रख दूंगा और इस पॉइंट ए को रोटेट करूंगा मैं आई के रिस्पेक्ट में, और अभी वीए का डायरेक्शन पता है तो वीए का एरो इधर है, तो अगर इस एरो के हिसाब से पॉइंट ए को अगर मैं आई के बाउंड रोटेट करूं तो कैसा रोटेट होगा, एंटी क्लॉकवाइज, और पॉइंट ए आई के बाउंड इस वीए के एरो के हिसाब से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, तो जाहिर सी बात है ओमेगा का सेंस क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो ओमेगा का मैग्नीट्यूड क्या आ गया, 5 रेडियन पर सेकेंड, एंड डायरेक्शन क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है, किसी को भी कंफ्यूजन? ठीक है, तो ये हो गया पहला कैलकुलेशन जो मेरे को पूछा था, एंगुलर स्पीड ऑफ द लिंब 5 रेडियन पर सेकेंड, डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। इसको मैं यहां साइड में लिख ले रहा हूं, ओमेगा कितना आया 5 रेडियन पर सेकेंड और डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब हम लोग इसका एक्सेलरेशन वाला पार्ट निकालेंगे। क्या क्या पूछा था, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द लिंब, सेकेंड क्या पूछा था, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट बी। ठीक है, तो दोस्तों हमने एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द लिंब कैलकुलेट कर लिया, कितना आया 5 रेडियन पर सेकेंड एंटी क्लॉकवाइज। अब हम सेकेंड निकालेंगे, क्या पूछा था सेकेंड, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द लिंब, दैट इज अल्फा। नेक्स्ट क्या पूछा था, थर्ड, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट बी। ये एक्सेलरेशन का दोनों पार्ट है, इसको निकालने के लिए हम लोग वेक्टर मेथड यूज करेंगे। बट दोस्तों ये वेक्टर मेथड तो ठीक है, बट उससे पहले इस लिंब पे दो पॉइंट ऐसा है, कौन कौन सा पॉइंट, पॉइंट ए और पॉइंट बी, जिसकी एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन मैं ऑब्जर्वेशन से बता सकता हूं, यानी खुद से बता सकता हूं। ये अलग बात है कि क्वेश्चन में पॉइंट ए का एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सब चीज दिया हुआ है, बट ये दो पॉइंट ए और बी का एक्सेलरेशन का डायरेक्शन मैं ऑब्जर्वेशन से बता सकता हूं, भले मैं एरो नहीं बता पाऊंगा। जैसे इसमें मैं पॉइंट ए का एक्सेलरेशन का डायरेक्शन बता सकता हूं, खुद से पक्का वर्टिकल होगा। हाँ, ये नहीं बता पाऊंगा कि वर्टिकल में ऊपर होगा कि नीचे, ये समझा रहा हूं कैसे, बट पॉइंट ए की एक्सेलरेशन का डायरेक्शन में खुद से बता सकता हूं वर्टिकल होगा, वर्टिकल में ऊपर होगा कि नीचे नहीं बता सकता। सेम चीज मैं यहां पॉइंट बी का भी एक्सेलरेशन का डायरेक्शन खुद से बता दूंगा, वो डिस्कस करेंगे, ये पक्का हॉरिजॉन्टल होगा। हाँ, हॉरिजॉन्टल में राइट होगा कि लेफ्ट, खुद से बता नहीं सकता। कैसे बता सकता हूं ये, इधर ध्यान देना दोस्तों, हमको ये पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो भी एक्सेलरेशन आएगा, अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा तो भी एक्सेलरेशन आएगा। वो कंपोनेंट एक्सेलरेशन का जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमेशा वेलोसिटी के अलोंग आएगा। जैसे अगर मान लो किसी पॉइंट का वेलोसिटी इधर है, किसी पॉइंट का वेलोसिटी इधर है, तो वो कंपोनेंट एक्सेलरेशन का जो इस पॉइंट की, मान लो ये कोई भी रैंडमली एक पॉइंट है ए और इसकी वेलोसिटी इधर है, तो वो कंपोनेंट एक्सेलरेशन का जो पॉइंट ए का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो हमेशा वेलोसिटी के अलोंग मतलब इसी डायरेक्शन में आएगा। हाँ, अगर वो मैग्नीट्यूड बढ़ा रहा है तो जो एरो वेलोसिटी का उसे एरो में आएगा, जाहिर सी बात है। अगर ये पॉइंट ए की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ा रहा है तो एक्सेलरेशन इधर आना चाहिए। सिमिलरली ये ब्लू कलर से एक्सेलरेशन बना रहा हूं, क्लियर। सिमिलरली अगर वो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम करना चाह रहा है तो जो वेलोसिटी का डायरेक्शन का एरो है जस्ट उसके क्या आएगा, अपोजिट। तो चाहे एक्सेलरेशन इधर आए चाहे इधर आए, या तो ये वेलोसिटी के जिस लाइन के अलोंग है उसी लाइन के अलोंग आ रहा है। अगर मैग्नीट्यूड बढ़ा रहा है तो उसका एरो सेम होगा जो वेलोसिटी का एरो है, अगर मैग्नीट्यूड कम हो रहा है तो उसका एरो जो वेलोसिटी का एरो उसके जस्ट क्या होगा, अपोजिट। तो यहां से मैं क्या एक पॉइंट क्या कंक्लूड कर सकता हूं कि किसी भी पॉइंट का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करने वाला एक्सेलरेशन का कंपोनेंट, एक्सेलरेशन का वो पार्ट, टोटल एक्सेलरेशन का बात नहीं कर रहा, जो केवल वेलोसिटी का क्या चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मैग्नीट्यूड, वो वेलोसिटी के ही डायरेक्शन में आएगा, एरो का बात नहीं कर रहा हूं। हाँ, एरो सेम वेलोसिटी जैसा होगा, अगर मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है,
एरो वेलोसिटी का अपोजिट होगा अगर मैग्नीट्यूड कम हो रहा है। ये तो वो कंपोनेंट हो गया जो वेलोसिटी का क्या चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मैग्नीट्यूड। सिमिलरली एक और कंपोनेंट होता है एक्सेलरेशन का, जो वेलोसिटी का क्या चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, डायरेक्शन चेंज करने के लिए। उसको कई बार हम लोग जब रोटेटिंग पढ़ते हैं तो नॉर्मल एक्सेलरेशन बोलते हैं, वो सब खैर बात की चीज है। एक और कंपोनेंट होगा एक्सेलरेशन ऑफ ए का या एक्सेलरेशन का, जो वेलोसिटी का क्या चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, डायरेक्शन। और डायरेक्शन चेंज करने वाला कंपोनेंट, जैसे मान लो अभी ये वेलोसिटी है तो अगर इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो डायरेक्शन चेंज करने वाला कंपोनेंट पक्का वेलोसिटी के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर आएगा। क्यों? क्योंकि वो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहा है, वो वेलोसिटी ऑफ उस पॉइंट की वेलोसिटी का क्या चेंज करना चाह रहा है, डायरेक्शन। सपोज ये पॉइंट ए है और ये उसकी वेलोसिटी है, तो उसका डायरेक्शन चेंज करने वाला कंपोनेंट पक्का उस पॉइंट वेलोसिटी के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर आएगा। हाँ, परपेंडिकुलर में कैसा आ रहा है वो डिसाइड करेगा कि अगले इंस्टेंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे चेंज होगा, वो बात की चीज है। बट डायरेक्शन चेंज करने वाला कंपोनेंट, जो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर आएगा। जैसे सपोज अभी वेलोसिटी ऐसा है, तो अगर डायरेक्शन एक कंपोनेंट एक्सेलरेशन का इधर आ रहा है तो ये कंपोनेंट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज करेगा। ये क्या चेंज करेगा? डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि ये वेलोसिटी के क्या है, परपेंडिकुलर। हाँ, डायरेक्शन जैसे अभी ये ऐसा है तो अगले इंस्टेंट पे वेलोसिटी ऐसा मिलेगा। अगले इंस्टेंट बता रहा हूं, सपोज ये टी इक्वल टू टी डेस का है तो ये टी इक्वल टू टी डेस प्लस डेल्टी टाइम के बाद का है। तो अगर टी डेस पे वेलोसिटी ऐसा है और यहां एक कंपोनेंट आ रहा है एक्सेलरेशन का इधर, जो वेलोसिटी का क्या चेंज करने रिस्पॉन्सिबल है, डायरेक्शन, तो अगले इंस्टेंट पे वेलोसिटी का वेक्टर का चेंज हो जाएगा। ये ऐसा रोटेट हो जाएगा क्योंकि अगर मान लो एक कंपोनेंट है एक्सेलरेशन का तो ये वेक्टर को इधर ही तो शिफ्ट करेगा और इधर शिफ्ट करेगा तो वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बट मेरे को अभी इतना डिटेल में नहीं जाना है, मैं अभी बस इतना बताना चाह रहा था कि एक्सेलरेशन का दो पार्ट होगा, एक जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करेगा और एक जो डायरेक्शन चेंज करेगा। मैग्नीट्यूड चेंज करने वाला हमेशा वेलोसिटी के डायरेक्शन के अलोंग आएगा, एरो सेम वेलोसिटी जैसा होगा अगर मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, एरो वेलोसिटी का अपोजिट होगा अगर मैग्नीट्यूड कम हो रहा है। दूसरा जो कंपोनेंट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल वेलोसिटी का, वो हमेशा वेलोसिटी के डायरेक्शन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अगर किसी पॉइंट की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, तो वहां जाहिर सी बात है अब दो कंपोनेंट आएंगे, जो वेलोसिटी के अलोंग आएगा वो मैग्नीट्यूड चेंज करेगा, जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर आएगा वो डायरेक्शन चेंज करेगा और रिजल्टेंट जो भी उसका फिर निकल जाएगा। क्लियर है ये चीज? सिमिलरली अगर किसी पॉइंट पे मान लो केवल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, मतलब मेरे को पता है कि उस पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो ही नहीं रहा है, जैसे अगर मान लो इस टी इक्वल टू टी डेस में पॉइंट ए की वेलोसिटी ऐसी है, डेल्टी टाइम के बाद भी पॉइंट ए की वेलोसिटी का डायरेक्शन यही है, यानी यहां मेरे को दिख रहा है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। मैग्नीट्यूड चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उसके बारे में डिसाइड हुआ नहीं है, बट डायरेक्शन तो पक्का चेंज नहीं हो रहा। तो अगर किसी पॉइंट की वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, तो अगर केवल मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो वहां एक्सेलरेशन का एक ही कंपोनेंट होगा, मतलब फिर वही रिजल्टेंट एक्सेलरेशन हो जाएगा क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो ही नहीं रहा है। जो वेलोसिटी का क्या चेंज करने रिस्पॉन्सिबल होगा, मैग्नीट्यूड, और वो केवल मैग्नीट्यूड चेंज करा है तो वेलोसिटी के क्या होगा, एलोंग होगा। है एलोंग में सेम वेलोसिटी जैसा एरो है तो मैग्नीट्यूड बढ़ाना चाहेगा, वेलोसिटी का अपोजिट है तो मैग्नीट्यूड कम करना चाहेगा। तो दोस्तों यही कॉन्सेप्ट मैं यहां यूज करूंगा। यहां दोस्तों यहां अगर हम लोग पॉइंट ए और बी को ध्यान से देखेंगे ना, तो अगर मैं पॉइंट ए की वेलोसिटी का बात करूं, पहले एक एक करके देख रहे हैं, और पॉइंट बी, तो ये दो पॉइंट इस लिंक का ऐसा पॉइंट है जिसका वेलोसिटी का डायरेक्शन मैं खुद ऑब्जर्वेशन से देख के बता सकता हूं कि कभी भी चेंज नहीं होगा। मैग्नीट्यूड चेंज हो या ना हो बात की चीज है, बट उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं होगा। कैसे बता सकता हूं, इधर ध्यान देना। अभी इस इंस्टेंट पे लिंक ए बी ऐसा है और ये एंगल कितना डिग्री दिया क्वेश्चन में, 60 डिग्री। अब मेरे को ये पता है कि ये लिंक पे जो भी मोशन होगा ये सरफेस के साथ कांटेक्ट कभी भी खत्म नहीं होगा। तो इस लिंक का पॉइंट ए इस वर्टिकल सरफेस से कांटेक्ट बनाया हुआ है, तो जाहिर सी बात है पॉइंट ए की वेलोसिटी पक्का क्या होगी, वर्टिकल, क्योंकि इस सरफेस के क्या होगा, पैरेलल, और ये सरफेस वर्टिकल है तो इस पॉइंट ए की वेलोसिटी भी क्या होगा, वर्टिकल। और अभी मेरे को पता है ये वर्टिकल में इस इंस्टेंट में किधर था, डाउनवर्ड, तो मैं डाउनवर्ड बना दिया। सिमिलरली पॉइंट बी की वेलोसिटी इस सरफेस के पैरेलल होगा और ये सरफेस हॉरिजॉन्टल है तो पॉइंट बी की वेलोसिटी का डायरेक्शन पक्का क्या होगा, हॉरिजॉन्टल। और चूंकि अभी पॉइंट ए नीचे आ रहा था तो ये हॉरिजॉन्टल में राइट साइड मूव करेगा, इसलिए पॉइंट बी की वेलोसिटी क्या होगी, हॉरिजॉन्टल राइट साइड। ये हो गया, मान लो कोई स्टैंड है, यही वाला स्टैंड है, इस स्टैंड को टी इक्वल टू टी डेस बोल दिया। अब अगर मैं इसके डेल्टी टाइम के बाद का डायग्राम बनाऊंगा
तो भी पक्का पॉइंट ए की वेलोसिटी वर्टिकल डाउनवर्ड होगा और तो भी पक्का पॉइंट बी की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल राइट साइड होगा। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन से बता सकते हो, क्योंकि ये सरफेस वर्टिकल है तो पॉइंट ए का वेलोसिटी हमेशा वर्टिकल होगा, ये सरफेस हॉरिजॉन्टल है तो पॉइंट बी की वेलोसिटी हमेशा हॉरिजॉन्टल होगा। और इसका मैं डायग्राम भी बनाता हूं। सपोज इसके डेल्टी टाइम के बाद ये लिंक कुछ, ये पॉइंट कुछ नीचे आ जाएगा, ये पॉइंट भी कुछ इधर मूव कर जाएगा, तो ये रेड कलर से बना दिया हूं। डेल्टी टाइम का लिंक का पोजीशन ऐसा है, इसी को मैंने यहां निकाल दिया है, क्लियर। और डेल्टी टाइम के बाद ये लिंक का पोजीशन हो गया तो पॉइंट ए यहां आ गया, ये डेल्टी। बट अगर आपने डेल्टी टाइम के बाद पॉइंट ए की वेलोसिटी का डायरेक्शन बनाओ तो जाहिर सी बात है अब भी ये पॉइंट ए है बट डेल्टी टाइम के बाद का पॉइंट ए है, बट अब भी पॉइंट ए जिस सरफेस से कॉन्टेक्ट बना रहा हो कैसा है? वर्टिकल। तो अब भी पॉइंट ए की वेलोसिटी का रिएक्शन क्या होगा? वर्टिकली डाउनवर्ड। हाँ, डेल्टी टाइम के बाद इसलिए इसमें डैश लगा दिया हूं, क्योंकि वैल्यू सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बिना कैलकुलेशन का कैसे बता सकता हूं? अगर मैग्नीट्यूड चेंज करने वाला कंपोनेंट आ रहा है एक्सेलरेशन का तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा, नहीं आ रहा है तो चेंज नहीं होगा। अभी मैं उसमें दिमाग नहीं लगा रहा हूं, अभी मैं केवल डायरेक्शन पे दिमाग लगा रहा हूं। तो यहां पॉइंट ए की वेलोसिटी वर्टिकली डाउनवर्ड है और यहां भी पॉइंट ए वर्टिकल सरफेस के साथ है, तो डेल्टी टाइम के बाद पॉइंट ए की वेलोसिटी क्या होगी? वर्टिकली डाउनवर्ड। मैग्नीट्यूड के बारे में अभी नहीं पता तो डैश लगा दिया, ठीक है। सेम चीज, इस इंस्टेंट में पॉइंट बी की वेलोसिटी का रिएक्शन हॉरिजॉन्टल राइट साइड था, डेल्टी टाइम के बाद भी पॉइंट बी हॉरिजॉन्टल सरफेस से कॉन्टेक्ट बनाया है, तो डेल्टी टाइम के बाद भी पॉइंट बी की वेलोसिटी का रिएक्शन क्या होगा? हॉरिजॉन्टल राइट साइड। हाँ, मैग्नीट्यूड अलग हो सकता है, इसलिए इसमें क्या लगा दिया? डैश। तो यहां से क्या क्लियर हो रहा है कि पॉइंट ए एंड पॉइंट बी की वेलोसिटी का केवल क्या चेंज हो सकता है? मैग्नीट्यूड। बट जो भी है, मैग्नीट्यूड चेंज होना हो बात की चीज है, पर जो भी हो डायरेक्शन चेंज होने वाला नहीं है। मतलब पॉइंट ए एंड पॉइंट बी में एक ही कंपोनेंट आएगा एक्सेलरेशन का, जो पॉइंट ए की वेलोसिटी का एंड पॉइंट बी की वेलोसिटी का केवल क्या चेंज करने के रिस्पॉन्सिबल होगा? मैग्नीट्यूड। और मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं कि मैग्नीट्यूड चेंज करने वाला कंपोनेंट पक्का वेलोसिटी के डायरेक्शन में आएगा, मतलब उसके अलोंग आएगा। हाँ, एरो नहीं बता सकता। अगर मैग्नीट्यूड बढ़ा रहा है तो एरो जो वेलोसिटी का एरो वही होगा, अगर मैग्नीट्यूड कम हो रहा है तो जो वेलोसिटी का एरो उसके अपोजिट होगा। तो पहले मैं एक लेता हूं, पॉइंट ए का एक्सेलरेशन का बात करूं तो ये रेड कलर से बना दे रहा हूं। तो पॉइंट ए पे ये तो समझ में आ गया कि वेलोसिटी का केवल मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकता। तो पॉइंट ए का अगर एक्सेलरेशन को मैं एक्सेलरेशन ऑफ ए बोलूं तो अब पक्का है कि पॉइंट ए के एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन का एक ही कंपोनेंट है, तो सीधा उसको एक्सेलरेशन ऑफ ए बोल दूंगा, जो वेलोसिटी का केवल मैग्नीट्यूड चेंज करेगा, इसलिए वो वेलोसिटी के अलोंग आएगा। और चूंकि वेलोसिटी ऑफ ए वर्टिकल है तो पॉइंट इस इंस्टेंट में पॉइंट ए की एक्सेलरेशन भी क्या होगा? वर्टिकल। हाँ, अगर मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम होगा तो वर्टिकली अपवर्ड होगा। वो बात की चीज वो खुद से नहीं बता सकता, लेकिन ये कंफर्म है कि पॉइंट ए का एक्सेलरेशन क्या होगा? वर्टिकल। इसको मैं यहां ड्रॉ कर ले रहा हूं। पॉइंट ए का एक्सेलरेशन का डायरेक्शन में ऑब्जर्वेशन से बता सकता हूं क्या होगा? वर्टिकल। हाँ, क्वेश्चन में पॉइंट ए का एक्सेलरेशन ध्यान देना दिया भी था, और जब दिया था तो उसका डायरेक्शन बस देखो, किस डायरेक्शन में दिया है? जे के, मतलब कौन से डायरेक्शन में आएगा? वाई के। और माइनस जे के लिखा है तो माइनस वाई में आएगा, तो माइनस वाई मतलब क्वेश्चन में ही दिया वर्टिकली डाउनवर्ड, तो क्वेश्चन में भी तो गलत एरो नहीं देगा ना, तो इसलिए तो पॉइंट मैं ऑब्जर्वेशन से बता दिया पॉइंट ए का एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा? वर्टिकल। हाँ, क्वेश्चन में वर्टिकली डाउनवर्ड दे चुका है, वो अलग चीज है। सिमिलरली पॉइंट बी का भी एक्सेलरेशन का डायरेक्शन में खुद से बता सकता हूं, क्यों? क्योंकि पॉइंट बी का भी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, चेंज हो सकता है तो केवल क्या? मैग्नीट्यूड। क्यों? क्योंकि इस इंस्टेंट में भी वेलोसिटी ऑफ बी हॉरिजॉन्टल है और डेल्टी टाइम के बाद भी वेलोसिटी ऑफ बी कैसा है? हॉरिजॉन्टल, मतलब उसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा। और डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा तो पॉइंट बी में भी एक्सेलरेशन का एक ही कंपोनेंट आएगा, अगर सपोज उसको मैं एक्सेलरेशन ऑफ बी बोलूं तो उसका एक ही कंपोनेंट होगा, जो वेलोसिटी का केवल क्या चेंज करेगा? मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड चेंज करेगा तो वेलोसिटी के अलोंग होगा, तो चूंकि पॉइंट बी का वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है तो पॉइंट बी का एक्सेलरेशन भी क्या होगा? हॉरिजॉन्टल। हाँ, हॉरिजॉन्टल में राइट होगा कि लेफ्ट खुद से बता नहीं सकता, क्वेश्चन में दिया होता अलग चीज है, पर ये हॉरिजॉन्टल होगा कंफर्म है, पर हॉरिजॉन्टल में राइट होगा कि लेफ्ट खुद से बता नहीं सकता। जैसे अभी वेलोसिटी ऑफ बी हॉरिजॉन्टल राइट साइड है, और मान लो एक्सेलरेशन ऑफ बी वेलोसिटी ऑफ बी का मैग्नीट्यूड बढ़ा रहा होता तो हॉरिजॉन्टल राइट साइड होगा, अगर कम कर रहा होता तो हॉरिजॉन्टल लेफ्ट साइड होता। बट वो अभी मैं खुद से कंक्लूड नहीं कर सकता, मैं खुद से क्या कर सकता हूं? पॉइंट बी का एक्सेलरेशन पक्का क्या होगा? हॉरिजॉन्टल। क्लियर है? तो चूंकि मेरे को इस ऑब्जर्वेशन से पॉइंट बी का एक्सेलरेशन का डायरेक्शन पता चल गया, तो उसको भी यहां ड्रॉ कर लेना, क्या होगा? हॉरिजॉन्टल। ये चीज क्लियर है? ये चीज समझ गया तो अब वेक्टर मेथड में कोई दिक्कत नहीं जाने वाला। अगर मेरे को किसी पॉइंट का ये पता है कि केवल वो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन एक ही आएगा, वेलोसिटी के अलोंग आएगा। एरो वेलोसिटी के जैसा होगा अगर मैग्नीट्यूड बढ़ा रहा है, अपोजिट होगा जब वैल्यू मैग्नीट्यूड कम कर रहा है। लेकिन ये अप्रोच केवल कब यूज करोगे? जब वो केवल वो कंपोनेंट वेलोसिटी का क्या चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? मैग्नीट्यूड। ये चीज क्लियर?
अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वेक्टर मेथड से, ठीक है। हाँ, मेरे को ऑब्जर्वेशन से पॉइंट ए और पॉइंट बी का ऑब्जर्वेशन का डायरेक्शन पता चल चुका है। पॉइंट ए का दिया था क्वेश्चन में, वो अलग चीज है, बट ये खुद से मैं बता दिया, ये हटा लेना। अभी तक ध्यान देना, अगर मेरे को इस क्वेश्चन को वेक्टर मेथड से सॉल्व करना है तो सबसे पहले इस लिंक पे जो जो पॉइंट इन्वॉल्व हो रहा है उसको लेके एक वेक्टर का इक्वेशन लिखूंगा। जैसे मेरे को पॉइंट ए का एसरेशन दिया भी है, उसके बारे में कुछ पता भी है, पॉइंट बी का एसरेशन का डायरेक्शन खुद से बता दिया, हॉरिजॉन्टल होगा, तो पहले तो मैं क्या करूंगा, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी को लेके एक वेक्टर का इक्वेशन लिखूंगा। अब किसी को भी लेके लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी अभी जैसे मेरे को बी का पूछा है तो मैं बी को लेके लिख लेता हूं, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम लोग ए को लेके भी वेक्टर का इक्वेशन लिखना शुरू करोगे तो फाइनल आंसर में कोई अंतर नहीं आएगा। बट इंपॉर्टेंट ये है कि ए और बी को इन्वॉल्व करते हुए मेरे को क्या लिखना है, एक वेक्टर का इक्वेशन। बाकी चूंकि अभी बी का निकालना है तो मैं बी को लेके लिख ले रहा हूं, क्या आएगा मेरे को, बी पॉइंट का एब्सोल्यूट एसेलरेशन का मैं वेक्टर लिख रहा हूं, तो एसेलरेशन ऑफ पॉइंट बी, और एसेलरेशन ऑफ पॉइंट बी का वेक्टर कैसे लिखूंगा, एक तो बी का एब्सोल्यूट लिख रहा हूं ना, तो बी का लिख रहा हूं इसलिए बी से शुरू करूंगा, एक तो बी का लिख रहा हूं इसे किससे शुरू करूंगा, बी से। अब मैं क्या करूंगा, जिस लिंक पे पॉइंट बी है उसी लिंक का दूसरा पॉइंट जहां का एसेलरेशन मेरे को पता है कौन सा पॉइंट है, ए, तो पहले मैं क्या करूंगा, बी का एसेलरेशन निकालूंगा किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में। बी का लिखना इसलिए शुरू किया बी से, जिस लिंक पे पॉइंट बी आ रहा है उसी लिंक का दूसरा पॉइंट जहां का एसेलरेशन पता है वो पॉइंट ए है, तो पहले मैं क्या कर रहा हूं, बी का एसेलरेशन निकाल लिया किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में। अब ये बी का एसेलरेशन में ए के रिस्पेक्ट में निकाला हूं, तो अब मेरे को किसका एसेलरेशन निकालना पड़ेगा, ए का, और ए का एब्सोल्यूट एसेलरेशन क्वेश्चन में दिया इसलिए कोई दिक्कत नहीं, और ए का एब्सोल्यूट निकाल लिया, क्लियर। तो ये हो गया वेक्टर किसका, बी का एसेलरेशन वेक्टर का, बी का इसलिए बी से शुरू किया, तो बी का पहले किसके रिस्पेक्ट में निकाला, ए, और ए के रिस्पेक्ट में निकाला, तो अब ए का एब्सोल्यूट एसेलरेशन निकालना पड़ेगा, इसलिए किसका एसेलरेशन लिख दिया, ए का एब्सोल्यूट, और वो क्वेश्चन में दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करूंगा, ये जैसे ही मैं वेक्टर का इक्वेशन लिख लिया, इस वेक्टर के इक्वेशन को दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व करूंगा, दो परपेंडिकुलर मतलब बोर्ड के अलोंग रिजॉल्व करूंगा, चाहे वो एक्स ले लो वाई ले लो, परपेंडिकुलर इसलिए रिजॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि अभी प्लेनर मोशन है, तो जो भी कंपोनेंट आएगा बोर्ड के अलोंग ही आएगा, ठीक है। तो दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन कुछ भी ले सकते हो, अभी मैं दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या क्या ले रहा हूं, एक्स और वाई, तो यहां जितने भी कंपोनेंट है उसको मैं रिजॉल्व करूंगा एक्स और वाई पे। तो उसके लिए क्या करूंगा, जिस कंपोनेंट के बारे में जितना भी पता उसको ड्रॉ कर लूंगा, अगर वो ऑलरेडी एक्स और वाई में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इंक्लाइंड आएगा तो मैं क्या करूंगा, उसका एक्स यानी हॉरिजॉन्टल से छोटा एंगल देख लूंगा, और हॉरिजॉन्टल से सपोज छोटा एंगल एंगल थीटा है, तो एक्स कंपोनेंट क्या होगा, कॉस थीटा, वाई कंपोनेंट क्या होगा, साइन थीटा। बस मेरे को ये देखना पड़ेगा प्लस एक्स में आ रहा है कि माइनस एक्स में, प्लस वाई में आ रहा है कि माइनस वाई में। तो चलिए ड्रॉ करते हैं, यहां जो जो आ रहा है वो पहला क्या रहा है, एब्सोल्यूट एसेलरेशन ऑफ पॉइंट बी, तो पॉइंट बी का एब्सोल्यूट एसेलरेशन क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है बट मैं खुद से उसका डायरेक्शन निकाल चुका हूं, क्या है, हॉरिजॉन्टल। लेकिन हॉरिजॉन्टल इसका मेरे को मैग्नीट्यूड नहीं पता, डायरेक्शन तो मैं खुद से बता दिया, साइंस नहीं पता कि राइट साइड आएगा कि लेफ्ट साइड, बट एक चीज कंफर्म है कि पॉइंट बी का वेलोसिटी का डायरेक्शन पक्का, सॉरी पॉइंट बी का एसेलरेशन का डायरेक्शन, सॉरी पॉइंट बी का एसेलरेशन का डायरेक्शन पक्का क्या होगा, हॉरिजॉन्टल, क्लियर। अब दोस्तों जब भी मैं किसी क्वेश्चन को वेक्टर मेथड से सॉल्व कर रहा हूं और मेरे को किसी एसेलरेशन कंपोनेंट का डायरेक्शन पता है, ये डायरेक्शन पता है इस लाइन के लॉन्ग होगा, अगर सेंस और मैग्नीट्यूड अननोन है बट डायरेक्शन पता है, तो हमेशा सेंस अपने मन से मान लेना, जैसे ये मेरे को पता है ना हॉरिजॉन्टल है, तो ये चाहो तो राइट साइड मान लो सेंस या लेफ्ट साइड मान लो, अगर वो सेंस सही होगा तो उसकी वैल्यू अपने आप पॉजिटिव आ जाएगा, अगर वो सेंस गलत होगा तो उसकी वैल्यू अपने आप क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो सपोज जैसे मेरे को चूंकि इसका डायरेक्शन पता है, मैग्नीट्यूड और सेंस अननोन है, और वेक्टर मेथड सॉल्व कर रहे हो, तो मैं सेंस अपने मन से मान लिया, मैं किधर ले लिया, हॉरिजॉन्टल राइट साइड, ये सेंस सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, अगर ये सेंस सही होगा तो इसकी वैल्यू अपने आप पॉजिटिव आएगा, और अगर ये सेंस गलत होगा तो इसकी वैल्यू अपने आप नेगेटिव आ जाएगा, तो मैं हॉरिजॉन्टल राइट साइड ले लिया, और ये ऑलरेडी एक्स में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्या आ रहा है, यहां जो जो आ रहा है बोलूंगा ना, अगला कौन सा कंपोनेंट आ रहा है, एसेलरेशन किसका, बी का, किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में, तो ये तो रिलेटिव एसेलरेशन हो गया। अगर रिलेटिव एसेलरेशन में मैं ये देखूंगा बी का एसेलरेशन किसके रिस्पेक्ट में, ए, तो क्या ए और बी एक ही लिंक के दो पॉइंट है क्या, क्योंकि एक ही लिंक के दो पॉइंट के लिए हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हमेशा रेडियल और टेंजेंशियल एसेलरेशन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्या बी और ए एक ही लिंक के दो पॉइंट है, तो जाहिर से जिस लिंक पे पॉइंट बी आ रहा है उसी लिंक पे पॉइंट ए आ रहा है, मतलब बी और ए एक ही लिंक के दो पॉइंट है, और चूंकि ये एक ही लिंक के दो पॉइंट है तो इसके लिए मैं रेडियल टेंजेंशियल वाला फॉर्मूला हमेशा यूज कर सकता हूं, क्योंकि एक ही लिंक के दो पॉइंट आपस में
हमेशा प्योर रोटेटिंग मोशन करेंगे, क्लियर है? क्योंकि अगर बी और ए एक ही लिंक के दो पॉइंट है तो इनके बीच का डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा, और कभी भी चेंज नहीं होगा तो बी ए के रिस्पेक्ट में कभी भी ट्रांसलेट नहीं होगा। कैसे ट्रांसलेट नहीं होगा? सपोज ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट ए है और इनके बीच का डिस्टेंस जो भी है मान लो एक्स मीटर है, तो अगर मैं ए को पकड़ लू तो बी को मैं खींच नहीं सकता क्योंकि ए और बी के बीच का डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं हो सकता। लेकिन मैं ए को पकड़ लू तो भी बी को रोटेट कर सकता हूं, ऐसे रोटेट कर सकता हूं ना। तो अगर एक ही लिंक के दो पॉइंट है तो बी ए के रिस्पेक्ट में या आपस में बात कर रहा हूं, पक्का है कि कौन सा मोशन करेगा? प्योर रोटेटिंग। और प्योर रोटेटिंग करेगा तो मैं रेडियल टेंजेंशियल वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूं। क्या होता है रेडियल टेंजेंशियल? बी का एक्सेलरेशन ए के रिस्पेक्ट में है, तो रेडियल टेंजेंशियल से इसके कितने कंपोनेंट होंगे? दो। क्या क्या? एक टेंजेंशियल ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए और दूसरा रेडियल ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। क्या होता है टेंजेंशियल? इसका हमेशा फॉर्मूला क्या होगा? जिस लिंक के दो पॉइंट है उस लिंक का एंगुलर एक्सेलरेशन दैट इज अल्फा इनटू इन्हीं दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। अभी मेरे को अल्फा नहीं पता तो इसकी वैल्यू नहीं बता सकता, वही तो निकालना है। लेकिन इसका डायरेक्शन, डायरेक्शन हमेशा क्या होगा? एबी के परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर में सेंस, सेंस को डिसाइड करेगा अल्फा। चूंकि मेरे को अल्फा नहीं पता तो इसका सेंस नहीं बता सकता। इसका डायरेक्शन पता है एबी के परपेंडिकुलर, मैग्नीट्यूड और सेंस नहीं पता क्योंकि मेरे को अल्फा दिया हुआ नहीं है। ये तो गया टेंजेंशियल। अगला कौन सा कंपोनेंट होगा? रेडियल। रेडियल का हमेशा फॉर्मूला क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर इनटू इन्हीं दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। ओमेगा ऑलरेडी निकाल चुका हूं, कितना है? 5 रेडियन पर सेकेंड। तो ये क्या जाएगा? 5 स्क्वायर इनटू इन्हीं दोनों पॉइंट के, और ए से बी का डिस्टेंस दिया कितना? 4 मीटर। ये इसकी वैल्यू आ गई, कितना आ रहा है? 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो क्या मैग्नीट्यूड। अगला इसका डायरेक्शन। रेडियल का हमेशा डायरेक्शन निकालने का तरीका क्या होता है? ये हमेशा क्या होगा? एबी के पैरेलल। पैरेलल में इसका सेंस, सेंस भी हमेशा बता सकता है। इसका सेंस हमेशा क्या होगा? अगर मैं रेडियल बी का ए के रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूं तो बी का किसके रिस्पेक्ट में? ए। तो इसका सेंस हमेशा होगा किधर? टुवर्ड्स ए फ्रॉम बी। अगर मैं बी का ए के रिस्पेक्ट में कोई भी नहीं रेडियल कंपोनेंट देख रहा हूं तो इसका सेंस हमेशा किधर होगा? टुवर्ड्स ए फ्रॉम बी। अगर मैं रेडियल मान लो ए का बी के रिस्पेक्ट में देखता, अभी मेरे को उसका जरूरत नहीं है, मेरे को बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालना इसलिए उसका रेडियल निकाला। बट अगर मान लो मैं ए का बी के रिस्पेक्ट में देखता रेडियल, तो रेडियल का डायरेक्शन क्या होता है? एबी के पैरेलल। बट तब इसका सेंस किधर होता? टुवर्ड्स बी फ्रॉम ए। कब? जब ए का किसके रिस्पेक्ट में रेडियल निकालता? बी। बट अभी चूंकि बी का ए के रिस्पेक्ट निकाला तो इसका सेंस किधर होगा? टुवर्ड्स ए फ्रॉम बी। तो ये बी का ए के रिस्पेक्ट दो कंपोनेंट है, अब इसको ड्रॉ कर लूंगा जितना भी पता है, ठीक है? और एक ही लिंक के दो पॉइंट में हमेशा ड्रॉ करने का तरीका क्या है? बी का ए के रिस्पेक्ट में है और बी और ए एक ही लिंक के दो पॉइंट है, तो मैं क्या करूंगा? एबी वाले लाइन पे, ये बी वाला लाइन अलग से बना ले रहा है, यहां उसको छू जाएगा जैसा है जीजी ना। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी, ये डिस्टेंस कितना है? 4 मीटर। ये एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो बी का ए के रिस्पेक्ट में ड्रॉ करना है तो मैं कैसे ड्रॉ करूंगा? हमेशा अगर एक ही लिंक के दो पॉइंट है तो ए बी वाले लाइन पे, चूंकि बी को ए के बाउंड रोटेट करके देख रहा है क्योंकि बी का किसके बाउंड देख रहा हूं? ए। तो ए बी वाले लाइन पे बी पे ड्रॉ करके डायरेक्शन निकालूंगा, ठीक है? हमेशा यही करना, एक ही लिंक के दो पॉइंट में अगर ए बी वाले लाइन पे है और बी का एक रिस्पेक्ट है तो ए बी वाले लाइन पे बी पे ड्रॉ करूंगा। और ए बी वाला लाइन जैसा था एजीडी ड्रॉ कर लिया, इसका हॉरिजॉन्टल से ये एंगल कितना है? 60। एक एक करके पहले टेंजेंशियल ड्रॉ कर लेना, कैसा है? ए बी का परपेंडिकुलर, ए बी ऐसा ए बी वाले लाइन पे बी पे, तो उसका परपेंडिकुलर कुछ ऐसा बनेगा, उसका परपेंडिकुलर कुछ ऐसा बनेगा। ये तो क्या डायरेक्शन, सेंस, सेंस को डिसाइड करेगा अल्फा। लेकिन अल्फा नहीं पता तो इसका मेरे को मैग्नीट्यूड और सेंस पता नहीं है। तो ये हो गया टेंजेंशियल ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। अब मैं क्या बोला, चूंकि मैं वेक्टर मेथड यूज कर रहा हूं तो अगर मेरे को किसी कंपोनेंट का, इसका मेरे को डायरेक्शन पता है, मैग्नीट्यूड और सेंस अननोन है, तो एरो या सेंस मैं अपने मन से मानूंगा। अगर वो सेंस सही होगा तो उसकी वैल्यू अपने आप पॉजिटिव आ जाएगा, और अगर वो सेंस गलत होगा तो उसकी वैल्यू अपने आप क्या आ जाएगा? नेगेटिव। तो इसका सेंस मैं अपने, चूंकि मेरे को डायरेक्शन पता था इसलिए इसका सेंस मैं अपने मन से मान ले रहा हूं। किधर मान ले रहा हूं? ऊपर। ये हो गया टेंजेंशियल ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ये इसका मैग्नीट्यूड पता था, सॉरी डायरेक्शन पता था, मैग्नीट्यूड और सेंस अननोन था, तो एरो में अपने मन से मान लिया। ये सही भी हो सकता है गलत। अगर ये पॉजिटिव आएगा तो ये सच में इधर होगा, बट अगर ये नेगेटिव आएगा तो एक्चुअल एरो इधर होगा। ये हो गया। अब इसका हॉरिजॉन्टल से छोटा एंगल देख ले रहा हूं, क्लियर पॉइंट। तो ये क्या था? एबी का परपेंडिकुलर था, तो एबी का हॉरिजॉन्टल से छोटा एंगल कितना है? 60। तो उसके परपेंडिकुलर का हॉरिजॉन्टल से छोटा एंगल कितना होगा? 90 - 60, कितना डिग्री? 30। तो ये बी विथ रिस्पेक्ट टू ए का भी केवल एक कंपोनेंट हुआ है, कौन सा? टेंजेंशियल। अगला बी विथ रिस्पेक्ट टू ए का नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है? रेडियल। रेडियल तो पूरा पता है, उसका मैग्नीट्यूड 100, डायरेक्शन कैसे निकालूंगा? ए बी के पैरेलल।
तो बी पे ड्रॉ कर रहा हूं ना, ए बी, बी का एक रिश्ते तो ए बी वाले पे बी पे, ए बी बी के पैरल, ए बी ऐसा तो उसका पैरल ऐसा बनेगा, ये तो क्या डायरेक्शन, सेंस, सेंस के द्वारा होगा टूवर्ड्स ए फ्रॉम बी, तो बी से ए की तरफ एरो, तो बी से ए की तरफ एरो लगाऊंगा तो ये आएगा, तो ये हो गया सेंस। तो इसका हर चीज एग्जैक्ट पता है, सेंस इसका अपने मन से नहीं है, मेरे को पता है टूवर्ड्स ए फ्रॉम बी, तो बी से किधर, ए की तरफ। ये कौन सा कंपोनेंट है, रेडियल ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, और इसकी वैल्यू पहले से पता है तो वैल्यू के साथ कितनी है 100। अब ये इंक्लाइंड आ रहा है तो इसका हॉरिजॉन्टल से छोटा लेंगे देख लूंगा, क्योंकि ये ए बी का पैरेलल है तो ए बी का हॉरिजॉन्टल एंगल कितना है 60, तो यहां अलग से कर दे रहा अच्छे से, तो उसके पैरेलल का भी हॉरिजॉन्टल से छोटा एंगल कितना होगा 60। तो ये हो गया कौन सा कंपोनेंट, बी का किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में। अगला क्या रहा है, एसेलरेशन ऑफ ए, खैर मेरे को खुद से पता कि ये पक्का वर्टिकल होगा, बट यहां कुछ भी एजम्पशन का जरूरत नहीं है, ठीक है एरो खुद से नहीं लेना है, यहां क्वेश्चन में दिया हुआ है एसेलरेशन, तो मेरे को खुद से क्वेश्चन में कंप्लीट दिया है, क्या दिया था एसेलरेशन ऑफ ए -5j के मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो एसेलरेशन ऑफ ए का मैग्नीट्यूड क्या, पहले तो वैल्यू कितना है 5, और उसका डायरेक्शन क्या होगा माइनस जे के, तो केवल जे के पर है तो वर्टिकल, ठीक है वो तो खैर मेरे को पहले से पता है वर्टिकल होगा, बट एरो भी दिया है वर्टिकल में माइनस जे के मतलब माइनस वाई एक्सिस में, तो ये किधर होगा वर्टिकली डाउनवर्ड, तो एसेलरेशन ऑफ ए मेरे को क्वेश्चन में दिया है कितना वर्टिकल, तो ठीक है बट वर्टिकल में भी दिया हुआ है किधर डाउनवर्ड, और उसका मैग्नीट्यूड दिया कितना 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसका मैग्नीट्यूड दिया कितना 5 मीटर, तो ये मेरे को पहले से इसका मैग्नीट्यूड और सेंस पता था तो मैं ड्रॉ कर लिया, और चूंकि ये वर्टिकल आ रहा है तो एंगल देखने का जरूरत नहीं है, क्लियर है, तो ये मैं ड्रॉ कर लिया, एसेलरेशन ऑफ बी हो गया ये रहा, सेंस नहीं पता था एरो अपने से ले लिया, बी विथ रिस्पेक्ट टू ए का दो का रेडियल टेंजेंशियल ड्रॉ कर लिया, टेंजेंशियल का डायरेक्शन पता था, एरो और मैग्नीट्यूड अननोन था तो वो अपने मन से ले लिया एरो। अगला एसेलरेशन ऑफ ए क्वेश्चन ले लिया था, जैसे ही ये ड्रॉ कर लिया और कोई कंपोनेंट नहीं बचा, ये हटा रहा ना, तो अब मैं क्या करूंगा, इस वेक्टर के इक्वेशन को दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजोल्व कर दूंगा, पहले मैं कौन सा कंपोनेंट डायरेक्शन रिजोल्व कर रहा हूं एक्स, और एक्स डायरेक्शन रिजोल्व करूंगा तो क्या आएगा, एसेलरेशन ऑफ बी है तो उसका कौन, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग चलना है तो उसका कौन सा कंपोनेंट एक्स इक्वल टू, तो इक्वल टू बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो बी विथ रिस्पेक्ट टू ए उसका कौन सा कंपोनेंट एक्स प्लस एसेलरेशन ऑफ ए, तो एसेलरेशन ऑफ ए उसका कौन सा कंपोनेंट एक्स, क्लियर, सबसे पहले क्या आ रहा है एसेलरेशन ऑफ बी का एक्स कंपोनेंट, तो दोस्तों ये रहा एसेलरेशन ऑफ बी, ये ऑलरेडी कौन सा एक्स आ रहा है एक्स, तो एच डी जा जाएगा, और किधर आ रहा है प्लस एक्स में कि माइनस एक्स में, प्लस एक्स में, तो इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा एसेलरेशन ऑफ बी, अब इक्वल टू, इसलिए इक्वल टू बी विथ रिस्पेक्ट टू ए का एक्स कंपोनेंट, तो चूंकि बी विथ रिस्पेक्ट टू ए का दो कंपोनेंट तो दोनों लेना पड़ेगा, एक एक करके ले लेते हैं, पहले कौन सा ले ले रहा है रेडियल, इसकी वैल्यू पहले से पता है तो वैल्यू के साथ 100, इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना छोटा वाला 60, तो इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा cos 60, बट एरो इधर आएगा मतलब किधर प्लस एक्स में कि माइनस एक्स में, माइनस एक्स में, तो इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा माइनस 100 cos 60, तो इसका एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा माइनस 100 cos 60, बट ये तो बी विथ रिस्पेक्ट टू ए का रेडियल हुआ। अगला क्या है टेंजेंशियल, इसका हॉरिजॉन्टल, इसका वैल्यू नहीं पता ना तो इसको एज इट इज ले लूंगा, बट इसका टेंजेंशियल से एंगल कितना है सॉरी हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना है 30, तो एक्स कंपोनेंट किधर आएगा कितना आएगा cos 30, और एरो इधर आएगा किधर आएगा प्लस एक्स में कि माइनस एक्स में, प्लस एक्स में, तो इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा प्लस टेंजेंशियल बी विथ रिस्पेक्ट टू ए cos 30, तो इसका एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा प्लस टेंजेंशियल ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए cos 30। ये हो गया बी विथ रिस्पेक्ट टू ए का दो कंपोनेंट था, दोनों का कौन सा कंपोनेंट ले लिया एक्स, अगला प्लस इसलिए प्लस एसेलरेशन ऑफ ए, तो ये रहा एसेलरेशन ऑफ ए वैल्यू से पता है 5, तो वैल्यू के साथ ले लूंगा, बट ये कौन सा डायरेक्शन में आ रहा है y, और चूंकि ये y डायरेक्शन में आ रहा है तो जाहिर सी बात है इसका x कंपोनेंट कितना होगा 0, तो ये हो गया इस वेक्टर के इक्वेशन का कौन सा कंपोनेंट x, अभी चूंकि यहां दोनों अननोन इन्वॉल्व हो रहे हैं तो अभी सॉल्व नहीं होगा, बट अभी तो ये मैं केवल x कंपोनेंट लिया हूं, मेरे पास एक और इक्वेशन है, अब इसका कौन सा कंपोनेंट ले लूंगा y कंपोनेंट, तो इसको अभी थोड़ा सिंपलीफाई कर दूं, तो ये क्या आ गया एसेलरेशन ऑफ b इक्वल टू माइनस 100 cos 60, ठीक है बाकी तुम लोग कर लेना, माइनस 100 cos 60 क्या होता है 1/2, तो कितना हो जाएगा माइनस 50 प्लस टेंजेंशियल ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए cos 60 और cos 30 क्या होगा रूट 3 डिवाइड बाई 2, तो इस इक्वेशन को मैं कौन सा इक्वेशन बोल दे रहा हूं इक्वेशन 1, क्लियर। अब इसका हम लोग कौन सा कंपोनेंट ले लेंगे y कंपोनेंट, तो इसको मैं हटा रहा और इसको ऊपर लिख दे रहा हूं इस इक्वेशन को, ये हटा रहा ना, क्लियर, क्या गया x कंपोनेंट एसेलरेशन ऑफ b इक्वल टू माइनस 50 प्लस टेंजेंशियल ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a रूट 3/2, ये इक्वेशन 1, क्लियर।
अब जैसे इसका एक्स कंपोनेंट लिया, सिमिलरली अब इसका कौन सा कंपोनेंट ले लेंगे, वाई, क्या हो जाएगा इस इक्वेशन का, तो एसेलरेशन ऑफ वी, तो उसका कौन सा कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, इक्वल टू, इसे इक्वल टू बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो बी विथ रिस्पेक्ट टू ए का कौन सा कंपोनेंट, वाई, प्लस इसलिए प्लस एसेलरेशन ऑफ ए, तो उसका कौन सा कंपोनेंट, वाई, क्या क्या जाएगा, पहले एसेलरेशन ऑफ बी का वाई कंपोनेंट, ये एसेलरेशन ऑफ बी, ये कौन से डायरेक्शन में आ रहा है, एक्स, और ये एक्स डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसका वाई कंपोनेंट कितना होगा, जीरो, तो इसका वाई कंपोनेंट कितना, जीरो, इक्वल टू, इसलिए इक्वल टू बी विथ रिस्पेक्ट टू ए का वाई कंपोनेंट, इसका दो का रेडियल टेंजेंशियल दोनों लेना पड़ेगा, पहले रेडियल कितनी, इसकी वैल्यू 100, हॉरिजॉन्टल से एंगल 60 है, तो वाई कंपोनेंट साइन 60 आएगा, बट एरो इधर आएगा, किधर, प्लस वाई में कि माइनस वाई में, प्लस वाई में, तो इसका वाई कंपोनेंट क्या होगा, प्लस 100 साइन 60, तो इसका वाई कंपोनेंट क्या होगा, प्लस 100 साइन 60, क्लियर, अगला टेंजेंशियल, ये रहा टेंजेंशियल, उसका हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना है, 30, तो y कंपोनेंट क्या आएगा, साइन 30, बट इधर आएगा एरो, किधर आ रहा है, प्लस y में कि माइनस y में, प्लस y में, तो इसका y कंपोनेंट क्या होगा, प्लस टेंजेंशियल b विथ रिस्पेक्ट टू a साइन 30, तो इसका y कंपोनेंट क्या हो जाएगा, प्लस टेंजेंशियल b विथ रिस्पेक्ट टू a साइन 30, फिर ये हो गया b विथ रिस्पेक्ट टू a का दो कंपोनेंट था, दोनों का y कंपोनेंट, फिर क्या है, प्लस, इसलिए प्लस एसेलरेशन ऑफ a का y कंपोनेंट, ये रहा एसेलरेशन ऑफ a, इसकी वैल्यू पहले से बता, तो वैल्यू से ले लूंगा कितना, 5, ये ऑलरेडी y डायरेक्शन में आएगा, तो एजीटी जा जाएगा, बट किधर आ रहा है, प्लस y में कि माइनस y में, माइनस y में, तो इसका y कंपोनेंट क्या होगा, माइनस 5, तो इसका y कंपोनेंट क्या होगा, माइनस 5, तो ये हो गया इक्वेशन 2, दो इक्वेशन और दो अननोन, एक अननोन क्या था, एसेलरेशन ऑफ b, और एक क्या था, टेंजेंशियल ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a, तो दो इक्वेशन है, तो दो अननोन है, तो सॉल्व हो जाएगा, क्लियर पॉइंट, वो पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो मैं जो एरो मान के चला वो सही है, नेगेटिव आ रहा है तो जो एरो मान के चला एक्चुअल एरो उसका क्या होगा, अपोजिट, बट वो बात की चीज है, पहले तो इसको सॉल्व करेंगे, और इसको सॉल्व करोगे तो यहां से टेंजेंशियल ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए सीधा निकल जाएगा ना, एक ही अननोन है यहां, तो क्या आएगा, सॉल्व कर लेना, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो टेंजेंशियल ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए की वैल्यू आएगी यहां -163.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यूनिट अभी नहीं लिख रहा, इसको सॉल्व करोगे तो टेंजेंशियल ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए की वैल्यू आएगी -163.2। दूसरा अगला क्या था, एसेलरेशन ऑफ बी, दो इक्वेशन तो नॉन सॉल्व हो जाएगा, ये दो इक्वेशन है दोनों, यहां से जो भी निकला जिस साइन के साथ आएगा यहां पुट कर देना, तो एसेलरेशन ऑफ बी निकल जाएगा, और उसको सॉल्व करोगे तो उसकी वैल्यू आएगी -191.339 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्लियर, पर कैलकुलेशन चेक कर लेना, बट यही आएगा टेंजेंशियल ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए -163.2 और एसेलरेशन ऑफ बी -191.339, माइनस प्लस कुछ नहीं है, माइनस मतलब मैं जो एक्चुअल में एरो लेके चला हूं, सही एरो क्या होगा उसका अपोजिट, अगर पॉजिटिव आता है तो मैं जो एरो लेके चला हूं वही होता है एक्चुअल, ठीक है, बट ये आएगा, नोट कर लो एक बार, क्लियर, तो ये मैं हटा रहा, इसको साइड में लिख देना, ये हटा रहा ना, टेंजेंशियल ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए कितना आया, -163.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एसेलरेशन ऑफ बी कितना आया, -191.339। अब इधर ध्यान देना, जैसे ही आ गया मेरे को जो भी पूछा है, तो एक काम तो करो, माइनस जैसे पूरा कैलकुलेशन जब हो गया, मतलब ये वेक्टर के इक्वेशन को पूरा सॉल्व कर लिया, एक्स कंपोनेंट भी ले लिया, वाई भी ले लिया, जितने अननोन थे निकाल लिया, तो अगर कोई कंपोनेंट पॉजिटिव आ रहा है तो जो एरो लिया था वो सही होगा, नेगेटिव आ रहा है तो एक्चुअल एरो उसका क्या होगा, अपोजिट होगा, तो मैं क्या करता हूं, इसका एक्चुअल एरो ही ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है, और एक्चुअल एरो ड्रॉ करूंगा तो जो एरो क्वेश्चन में लेके चला हूं उसका एक्चुअल एरो क्या होगा, उसका अपोजिट, क्योंकि इसकी वैल्यू किस साइन के साथ आया है, नेगेटिव, तो मैं सही कर लेता, पहले टेंजेंशियल ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, मैं किधर लेके चला था एरो, इसी लाइन के अलोंग होगा, डायरेक्शन तो पक्का था बट एरो मैं ऊपर मान के चला था, बट ये नेगेटिव है तो एक्चुअल एरो अब ऊपर की बजाय किधर होगा, नीचे, तो मैं सही एरो ड्रॉ कर ले रहा, ये नीचे, और जैसे ही सही एरो ले लिया तो अब टेंजेंशियल ऑफ बी पूरा कैलकुलेशन होने के बाद, अब इसकी ये, अब इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 163.2। अब इसको पॉजिटिव क्यों कर दिया, क्योंकि एरो में बदल चुका, मेरा नेगेटिव आया और मैं ऊपर लेके चला था, तो मैं किधर ले लिया, नीचे, और सही एरो ले लिया तो नेगेटिव साइन हटा दे रहा, क्लियर, सही एरो लेने के बाद। वैसे एसेलरेशन ऑफ बी, मैं हॉरिजॉन्टल तो पकता था बट मैं खुद से माना था कि ये हॉरिजॉन्टल में किस साइड है, राइट साइड, और इसकी वैल्यू नेगेटिव आई, मतलब एक्चुअल एरो जो मैं लेके चला उसका क्या होगा, अपोजिट, तो मैं राइट साइड लेके चला हूं, तो एक्चुअल एरो सही एरो बना ले रहा हूं, किस साइड होगा, लेफ्ट साइड, अब इसकी वैल्यू लिख ले रहा हूं, इसकी वैल्यू कितनी होगी, और सही एरो लेने होता है, अब नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है, कितना होगा, 191.339, ये माइनस हटा देना क्योंकि अब मैं सही एरो ले चुका हूं ना,
हॉरिजॉन्टल राइट साइड सॉल्व करते समय माना था और नेगेटिव आया तो मैं किधर कर दिया हॉरिजॉन्टल लेफ्ट साइड। ठीक है, अब मेरे को क्या क्या पूछा था, इधर ध्यान देना, थर्ड वाला पार्ट पहले देख ले रहा, एसेलरेशन ऑफ बी पूछा था, वो ऑलरेडी निकल चुका, कितना आया है 1, यहां लिख दे रहा। थर्ड क्या पूछा था, पॉइंट बी का एब्सोल्यूट एसेलरेशन कितना आया 191.339 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड, इसका डायरेक्शन ड्रॉ कर चुका हूं, किधर है हॉरिजॉन्टल लेफ्ट साइड, क्लियर। तो ड्रॉ करके दिया है जो सीधा है, ये हो गया आंसर। पर अगर मेरे को एंगल पूछा है तो मैं पहले ही बता चुका, किसी भी कंपोनेंट का अगर एंगल पूछा है तो एंगल बताया नहीं है कहां से, तो हमेशा कहां से बताओगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर मैं इसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज एंगल देखूंगा और उसको एक बार के लिए थीटा बोलूं, तो इसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज एंगल कितना है 180 डिग्री। तो अगर मेरे को ड्रॉ करके दिया है तो ये डायरेक्शन वैल्यू इतना, ठीक है। अगर मेरे को मैग्नीट्यूड पूछा है तो ये, एंगल पूछा है बताया नहीं है कहां से, तो कहां से बताओगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, वो कितना डिग्री है 180 डिग्री। क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में पूछ सकता है, अगला इसी क्वेश्चन को किस फॉर्म में पूछ सकता है, वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में मतलब इसका एक्स कंपोनेंट अलग, वाई कंपोनेंट अलग, और एक्स कंपोनेंट के साथ आई के, वाई कंपोनेंट के साथ जे के। तो यहां ध्यान दोगे तो ये ऑलरेडी एक्स डायरेक्शन में आ रहा है, तो केवल एक्स कंपोनेंट आएगा, किधर आ रहा है, प्लस एक्स में कि माइनस एक्स में, माइनस एक्स में। तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखता तो ये क्या होता है 1-191.339 आई के, और चूंकि वाई डायरेक्शन में नहीं आ रहा तो वाई कंपोनेंट नहीं आएगा, तो वेक्टर फॉर्म में पूछता तो ये आंसर हो जाता। तो थर्ड मेरे को एसेलरेशन ऑफ बी जो पूछा था वो तो निकल गया, ठीक है, ये हटा रहा ना। नेक्स्ट क्या पूछा था, इस लिंक का एंगुलर एसेलरेशन, तो किसी भी लिंक का एंगुलर एसेलरेशन मैं कैसे निकालूंगा, जिस भी लिंक का एंगुलर एसेलरेशन पूछा है उस लिंक का उस दो पॉइंट लूंगा और उनके बीच का टेंजेंशियल कंपोनेंट का यूज करूंगा, क्योंकि मेरे को क्या पता है, ये पीछे भी डिस्कस किए, टेंजेंशियल ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए हमेशा क्या होता है, अल्फा इंटू ए बी, डायरेक्शन क्या होता है, ए बी के परपेंडिकुलर, सेंस को डिसाइड करता है अल्फा। तो अगर मेरे को अल्फा पता होता तो ये निकल जाता, बट अब मेरे को उल्टा है ना, टेंजेंशियल ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए पता है तो उसका यूज करके क्या निकाल लूंगा, अल्फा। बट एक ही लिंक के दो पॉइंट होना चाहिए और उनके बीच का कौन सा कंपोनेंट, टेंजेंशियल, तब वो फॉर्मुला यूज कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा, टेंजेंशियल ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए मेरे को पता है, तो टेंजेंशियल ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होता है, अल्फा इंटू ए बी, डायरेक्शन क्या होता है, ए बी के परपेंडिकुलर, और सेंस को डिसाइड करता अल्फा। तो अब मेरे को ये कंपोनेंट पता है तो अल्फा निकल जाएगा, कैसे निकलेगा, क्या हो जाएगा, अल्फा टेंजेंशियल ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए अपॉन इन्हीं दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, कितना है टेंजेंशियल ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए 163.2 अपॉन ए और बी के बीच का डिस्टेंस, क्वेश्चन में दिया था कितना मीटर, 4 मीटर, तो अपॉन 4 क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेना कितना आएगा 40.8 रेड, अल्फा है ना तो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, चेक कर लेना, बट यही आएगा 40.8 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड, अगला इसका क्या निकालना पड़ेगा, डायरेक्शन, अल्फा या तो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज, बट वो निकालना तो पड़ेगा। तो इधर ध्यान देना, टेंजेंशियल हमेशा क्या होता है, एबी के परपेंडिकुलर, सेंस को डिसाइड करता है अल्फा। तो अब मेरे को टेंजेंशियल का डायरेक्शन पता है, टेंजेंशियल होना चाहिए बी का एक रिस्पेक्ट, तो किसका डायरेक्शन निकल जाएगा, अल्फा का, कैसे निकालूंगा, चूंकि ये बी का एक रिस्पेक्ट में टेंजेंशियल है, कहां पहले तो टेंजेंशियल ये रहा बी का, इसलिए बी पे पेंसिल रखूंगा, और किसके रिस्पेक्ट में है, ए के रिस्पेक्ट में, अल्फा पता होता तो इसका एरो निकल जाता, तो अब इसके एरो से किसका डायरेक्शन निकल जाएगा, अल्फा का, कैसे, बी का है तो बी पे पेंसिल, टेंजेंशियल को ही लोगे, किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में, और टेंजेंशियल इधर है तो इस एरो के हिसाब से बी को ए के बाउंड रोटेट करोगे, और ये एरो ऐसा है तो बी ए के बाउंड कैसा रोटेट हो रहा है, कैसा रोटेट हो रहा है, क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है तो अल्फा का डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज। तो अल्फा कितना आ गया 40.8 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन क्या आया, क्लॉकवाइज। ठीक है, मैं यहां लिख दे रहा अल्फा, अल्फा कितना आ गया, सेकंड यही पूछा था ना, 40.8 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या आया, क्लॉकवाइज, क्लियर। हाँ, यहां कई बार ये भी पूछ सकता है, अल्फा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज है ना, ओमेगा भी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज होगा, जैसे अभी ओमेगा एंटी क्लॉकवाइज है और अभी अल्फा क्या है, क्लॉकवाइज, तो अल्फा ओमेगा का मैग्नीट्यूड चेंज करने के रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर अल्फा ओमेगा के डायरेक्शन में है, मतलब सेंस सेम ओमेगा जैसा है, तो ओमेगा का मैग्नीट्यूड बढ़ाएगा। अगर अल्फा का सेंस ओमेगा के सेंस का अपोजिट है तो अल्फा ओमेगा के मैग्नीट्यूड को क्या करेगा, कम करेगा। तो यहां ओमेगा कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, और अल्फा कैसा है, क्लॉकवाइज, यानी अल्फा का सेंस ओमेगा के सेंस का जस्ट क्या है, अपोजिट। तो यहां पर जो अल्फा है वो ओमेगा के मैग्नीट्यूड को कम करने की कोशिश करेगा, क्लियर चीज, कम करने, क्योंकि ये अल्फा जो है ओमेगा के क्या है, अपोजिट। खैर वो सब बात की चीजें, फर्स्ट मेरे को पूछा था ओमेगा क्या है, 5 रेडियन पर सेकेंड एंटी क्लॉकवाइज, सेकेंड एंगुलर एसेलरेशन क्या है 40.8 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर क्लॉकवाइज, थर्ड एसेलरेशन ऑफ बी क्या है
191.339 डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल लेफ्ट साइड। क्लियर है? तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और फ्यूचर में इस तरीके का डिस्कशन और देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हमेशा याद रखिए, टू गेट सक्सेस डिटरमिनेशन इज द की।